सत्र का चौथा दिन है और आज सदन में लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता को घेरने में लगा हुआ है। इसी क्रम में हमारे साथ अज्ञाओं से जीते हुए मनोज मंजिल हैं, युवा हैं आप, और लगातार जो मुद्दे हैं किसान को लेकर उस पर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। इस जो बिल लाया गया था कृषि का उसे पारित तो किया गया, लेकिन अब जब युवा पहुँच रहे हैं तो क्या आवाज़ बुलंद होगी? ये आज संविधान दिवस है और देश भर के मजदूर हड़ताल पर हैं। श्रमिक विरोधी जो संशोधन कानून है उसको वापस लिया जाए और चार श्रम कोड कानून को वापस लिया जाए और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है उस पर रोक लगाया जाए और ठेका मानदेय नहीं चलेगा। ये चार श्रम कोड कानून श्रमिकों के खिलाफ है और तीन कृषि बिल किसानों के खिलाफ है। इस सवाल पे प्रदेश में आज हड़ताल है। हड़ताल के समर्थन में हम लोग बाहर भाकपा माले के सारे विधायक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सवाल है, खेती किसानी में कॉरपोरेट वर्चस्व को सरकार बढ़ा रही है, किसानों के पास बचा ही क्या था, एक खेती बची थी, किसानी बची थी और उसको भी छीनने की सरकार साजिश कर रही है। काम के घंटे 12 घंटा जो का आदेश है उसको रद्द करने का सवाल है। 8 घंटा काम करने का अधिकार मजदूरों ने, श्रमिकों ने लड़ाई लड़ करके, कुर्बानी दे करके, जेल जा करके, सत्ता का दमन झेल करके ये लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकार हासिल किया था और ये बीजेपी की सरकार ये सभी जो भी श्रम और श्रमिकों के हित में कानून थे उसको रद्द करके और शोषण के हित में, पूंजीपतियों और मुनाफा के हित में ये सरकार चार श्रम कोर्ट कानून लाई है। भाकपा माले हो या सीपीआई हो, जो भी वामदल पार्टियां हैं, लंबे वक्त से किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही, अब जब सदन में आपकी मेजोरिटी बढ़ी है तो क्या लगता है कि जो मूल मुद्दों पर आप बात कर रहे थे वो अब वाजिब होगा सदन के अंदर? बिल्कुल, हम लोग अभी मजबूत विपक्ष हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल है, शिक्षा का निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ, गरीबों, मजदूर, किसानों, खेत खलिहानों के जो संतान हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके लिए बेहतर शिक्षा का सवाल है, विश्वविद्यालय तक वो पहुँचे, और ज़मीन का सवाल है, खेती किसानी, किसानों को बचाने का सवाल है। इन सवालों पर जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल है, इन सवालों पर बिहार के जो विधानसभा है इसमें आवाज़ उठेगी और आवाज़ गूंजेगी, सत्ता से टकराएगी। आप लोगों के स्टार प्रचारक रहते हैं कन्हैया कुमार, आप भी नौजवान हैं। हमारे स्टार प्रचारक तो नहीं है कन्हैया कुमार, हम सीपीआई एमएल के हैं। वाम दलों की अगर बात की जाए तो जब भी आप लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं आप लोगों को देश विरोधी कह दिया जाता है, कहा जाता है कि आप लोग देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं। देखिए, अब देश के जो सवाल है तो देश का मतलब क्या है? अगर आपको संविधान से प्रेम नहीं है, देश में रहने वाले जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, गरीब, अति पिछड़ी, समाज के दबे कुचले सताए हुए लोग हैं, अगर उनके जीवन से, उनके हकों से, उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से अगर आपको मोहब्बत नहीं है, उनके साथ आप खड़े नहीं हैं, तो फिर देश किस बात की होती है? इसलिए जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनका इतिहास देख लीजिए। आज़ादी के आंदोलन में वे अंग्रेजी हुकूमत के का चटकारिता करते थे, आज़ादी आंदोलन के गद्दार लोग हैं और हम बहादुर शाह जफर के संतान हैं, हम 1857 के संतान हैं, शहीद आजम भगत सिंह का लहू हमारे रगों में आज भी दौड़ता है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और इसलिए हम लोग ये जो शोषण का समाज है, शोषण पर आधारित समाज है, जो ये राज सत्ता है उसको हम लोग बदल डालने की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। क्या लगता है अब जब युवा, अगर माले की बात की जाए तो कई युवा सदन पहुँचे हैं जी, अब युवा की राजनीति शुरू हो गई है बिहार में? बिल्कुल, जो युवाओं का सवाल है, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, वो जो उन जिन सवालों को लेकर के सत्ता से टकराते रहे हैं, सत्ता की दमन झेलते रहे हैं, उन सवालों, उन आकांक्षाओं का हम लोग आवाज़ बनेंगे। तो अज्ञाओं के विधायक हैं और साफ तौर पर युवा हैं और युवाओं की जो बात है, राजनीति है, वो बिहार में शुरू हो गई है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फौज बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद।